हेलो हेलो, आवाज आ रही जी ऑनलाइन वाले। हेलो आवाज आ रहे है? हेलो। हाँ चलिए ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या पढ़े थे उस दिन हम पिछले क्लास में? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था, है ना? उससे पहले बंगाल का गवर्नर, है ना? नाम याद हुआ आप लोगों को? चलिए अच्छी बात है। तो आज देखेंगे हम लोग भारत के गवर्नर जनरल, है ना? क्या देखेंगे? भारत के गवर्नर जनरल। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते एक बार। चलिए निखिल साहू सर, बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। कल हम लोगों ने, सॉरी परसों पढ़े थे उसके बारे में। निखिल साहू सर, आवाज पहुंच रहा है सर? चलिए पूजा साहू मैम, बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। पूजा साहू मैम, चलिए बताइए। हाँ नाम देखे। हाँ कौन कौन थे? कार्नवालिस, चांसो, फोर्थ लॉर्ड अवेलेजली, कार्नवालिस, चार्ज बोल लो, और मिंटो प्रथम जी, हेस्टिंग्स। ठीक है, देख के बता रही हो कि बिना देखे? याद हो गया? हाँ तो कोट के माध्यम से याद करना है ना। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए प्रेमलता साहू मैम, बताइएगा कि भारत में ये सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक, ICS, प्रेमलता साहू मैम। आवाज पहुंच रहा है जी? तो कैसे चुप रहते हो? जो पूछता हूं बताते भी नहीं। चलिए चले, हरीश ठाकुर सर बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। बताइएगा कौन कौन से कार्य उन्होंने किया था? हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। अच्छा क्लास अटेंड नहीं किया था? चलिए ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए सबका नाम आपको याद रखना है ना, साथ साथ कौन कौन से उसके काल में कार्य हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए टोटल हम लोगों ने कितना आपका बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े? 10 या 11? 11 नाम। ठीक है, 11 नाम आपको याद रखना है। लास्ट आएगा आपका विलियम बेंटिक। कौन आएगा आपका? विलियम बेंटिक। उसका शासन काल रहेगा 1828 से 1835 तक। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या होगा, 1833 में एक आपका एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा आपका द्वितीय चार्टर एक्ट। कौन सा आपका?
द्वितीय चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए दीक्षा साहू मैम बताइएगा, हम लोगों ने अभी कौन कौन सा एक्ट पढ़े हैं, अभी इससे पहले कौन कौन सा एक्ट देखे हैं जी दीक्षा साहू मैम? हाँ चलिए बताइए कौन कौन सा एक्ट देख लिए थे, और वो उस एक्ट के माध्यम से क्या क्या आपका व्यवस्था किया गया था आपका भारत में? क्या हुआ? हाँ वारेन हेस्टिंग्स, हाँ क्या हुआ था उसके काल में? रेगुलेटिंग रेट, हाँ और हाँ उसके बाद कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कौन सा एक्ट आया आपका? पिट्स इंडिया एक्ट, क्या हुआ था उसके माध्यम से आपको, उसके तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत? चलिए उसके बाद कौन सा एक्ट है आपका 1813? कौन सा एक्ट आया था जी, क्या हुआ था उसके तहत? अच्छा पक्का, ये ऐसा नहीं है मैम, वो जो क्या है उस समय क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, केवल आपका जो भारत मतलब जो पूर्वी देश है ना, उसमें क्या व्यापार के लिए कुछ समय दिया था। ठीक है, अब क्या किया, इनके जो एकाधिकार है व्यापार करने का, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, और आपका ब्रिटेन से जितने भी संस्था है ना, वो यहाँ व्यापार कर सकता था इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है मैम, चलिए हाँ चाय का, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, ओके। चलिए मुक्ति का मैम बताइएगा, किसके शासन काल में भू राजस्व की जो व्यवस्था है वो स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुआ था? भू राजस्व की तीन व्यवस्था मैंने बताया था उस दिन, तो किसके शासन काल में उसको लागू किसने किया था? चलिए मुक्ति का मैम बताइएगा, जब तक ये सब चीज याद नहीं होता, आप पढ़ते नहीं तो कहां से याद होगा जी? ईमानदारी के साथ घर में जाके एक एक घंटा देखो, सब चीज याद हो जाएगा, और पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते तो कहां से ये चीज याद होगा? धोखा तो अपने आप को दे रहे हो ना आप लोग, उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही लोगों का जाएगा नहीं पढ़ोगे तो। चलिए मुक्तिका मैम आवाज आ रहा है? चलिए लोकेश सिन्हा सर बताइएगा, हाँ चलिए बताइए, हाँ कौन कौन सा? हाँ सर, इसको लागू किसने किया था और कौन कौन से क्षेत्रों में ये प्रचलित था? नहीं, तीनों का अलग अलग बताया था सर आपका, बहलवाड़ी, रैजतवाड़ी और दोनों का मिश्रण है ना। हाँ उत्तर भारत में कौन सा आपका भूस्थल, कौन सा, बहलवाड़ी। ठीक है, लागू किसने किया था, मार्टिन बर्ड ने। ठीक है, और आपका दक्षिण में रैजतवाड़ी लागू किया था किसने, टॉमस मुनरो ने। ठीक है, और बीच में दोनों का मिश्रण आपका मुंबई वाले क्षेत्र में, ठीक है, लागू किसने किया था आपका, एल क्रिस्टर ने। ठीक है चलिए,
चले बिनद्रु में बताइएगा, लॉर्ड वेलेचली के काल में कौन कौन सा जो रियासत था वो सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी जो हुकूमत थी है ना उसमें विलय हुआ, उसका या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उसका विलय हुआ सहायक संधि के माध्यम से, कौन कौन सा रियासत है बिनद्रु में? देखिए जब तक आप लोग नहीं बताओगे ये चीज है ना, मैंने डिटेल में पढ़ाया, स्टोरी के माध्यम से पढ़ाया, ठीक है, ट्रिक बनाकर आप लोग को पूरा जो गवर्नर जनरल है उसका नाम आप लोग को याद करवाया, ठीक है, और आप लोग नहीं बता पाओगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं ना आगे बढ़ने का, समझ रहे हो? चलिए बिना ध्रुव में ये बताओ आवाज पहुंच रहा है कि नहीं, आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? चुप क्यों हो तो ये समझ नहीं आता, बोल कम से कम कुछ तो नहीं पता, तो नहीं पता याद नहीं किए सर, ये तो बोल सकते हो ना? चलिए आयन साहू सर बताइएगा, कोई कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का, आप लोग पढ़ते ही नहीं, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में आएगा ही ऐसा क्वेश्चन, सहायक संधि का 10 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आपका जो महलवाड़ी जो रैजतवाड़ी और दोनों का मिश्रण है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और आप लोग ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ोगे, याद करके नहीं आओगे तो थोड़ी बनेगा। चलिए आयन साहू सर बताइए। हाँ 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 पेशवा, हाँ हाँ 1851, भोसला और सिंधिया, ठीक है। सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। इसका शासन काल भी आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली का कब से कब तक था? 1798 से आपका 1805 तक, ठीक है। देखिए सहायक संधि मैंने समझाया अभी तक क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से, देखिए ये पहला तो आप पढ़ चुके हो, हैदराबाद मैंने रियासत पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट में आपका टीपू सुल्तान आएगा, मर जाएगा, फिर उसका विलय हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका 1799 में आपका मैसूर और आपका तंजौर, ठीक है, उसके बाद 1801 में सूत्र भी बताया था, कौन कौन सा, एपी बीएस, ठीक है, एपी बीएस, इसी को याद करो ना, आपको बार बार वही रटते रहोगे तो वो चीज याद होने वाला नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, पर सूत्र के माध्यम से आपको गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बताया था, वो चीज आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, कई लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे, उसके लिए मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा, चुप हो जाते पूछते वक्त, और बाद में तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना सर ये बताओ वो बताओ, आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे अपने प्रति तो ये चीज नहीं बनेगा ना, 1 घंटे जा के ईमानदारी के साथ पढ़ो तो ये चीज कैसे याद नहीं होगा बताओ, यहाँ आपको डिटेल कराया जा रहा है, स्टोरी के साथ पढ़ाया जा रहा है। चलिए मैम आप बताइए, लॉर्ड वेलेचली के बारे में बताइए आप। हाँ थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है ना, अब बस वही थोड़ा थोड़ा याद करके, मैं नहीं बोल रहा सब एक साथ बताओ, एक साथ याद नहीं होता, और ये ऐसा टॉपिक है जिसे लोग कई बार छोड़ ही देते हैं समझ नहीं आ रहा है करके, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हम फार्मूला के माध्यम से बड़े आराम से एक एक पता आगे बढ़ बढ़ के पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो आपको गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन है ये तो पहले आपको पता रहना चाहिए ना, उसके बाद आपका भारत का गवर्नर जनरल, फिर आपका वायस राय, अभी कम से कम 15 नाम और पढ़ेंगे, समझ रहे हो कितना आपका 15, और सबका नाम आपको याद होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर शुरुआत में जल्दी जल्दी नाम बोलते जाओ है ना, सबसे पहले आएगा कौन आपका, लॉर्ड सॉरी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव,
ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वेंसी टाट, कौन आएगा आपका वेंसी टाट, उसके बाद आपका पुनः कौन आएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद पुनः कौन आएगा आपका वर्लेस्ट, ठीक है, वर्लेस्ट के बाद कौन आएगा लास्ट आपका फर्टियर, ठीक है। उनमें से आपको कुछ नहीं करना है, बस क्रम अनुसार इनका नाम याद करना है। शुरू में आपको याद करना है किसका, लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है, किसका, लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वैत शासन एक तो हो गया है ना, और एक क्या क्या चलाया था वो द्वैत शासन, और एक चीज जी श्वेत विद्रोह हुआ था उसके, ठीक है। दो चीज आपको लॉर्ड क्लाइव के शासन काल में याद रखना है, एक आपका द्वैत शासन, एक आपका श्वेत विद्रोह, ठीक है, इतना याद रहेगा। और एक बात याद रखना है, ये आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, प्लासी का युद्ध भी इसी के समय हुआ था, हाँ ठीक, क्या चीज, हाँ इलाहाबाद की संधि हुआ था, ठीक है। तो एक साथ सबको जोड़ के चलोगे तभी ये चीज पता रहेगा, ठीक है। अब आपको जो प्लासी का युद्ध है वो पता नहीं रहेगा किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है, तो आगे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। आपको नहीं पता कि बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था इतना बताने के बावजूद, तो फिर क्लियर नहीं होगा ना ये सब चीज। अब आपको बक्सर के युद्ध पकड़ना पड़ेगा, वहां से आपको इलाहाबाद की संधि भी पढ़ना पड़ेगा, हुआ था ना इलाहाबाद की संधि, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इलाहाबाद की जो संधि है वो किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए। तो यहां तक हो गया आपका बंगाल का गवर्नर, ठीक है, क्या हो गया बंगाल का गवर्नर, इतना नाम पता चल गया ना, ठीक है। लास्ट में आएगा आपका वारेन हेस्टिंग, कौन आएगा आपका वारेन हेस्टिंग, ठीक है, कब आपका 1772 में। देखिए इसमें केवल दो का नाम याद रखना आपको, लॉर्ड क्लाइव और आपका वारेन हेस्टिंग, ठीक है, बाकी का तो ऐसी सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो किसके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ वो दोनों याद रखना, एक क्लाइव एक आपका वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के काल में 1772 में क्या करेगा, वो कलेक्टर का पद सृजित करेगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और इस एक्ट के तहत क्या होगा आपका बंगाल के जो गवर्नर है उसको क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में आपका किसका स्थापना किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कहाँ आपका कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ आपका कलकत्ता, रिकॉल करते चलो धीरे धीरे क्योंकि ये चीज छूट जाएगा फिर बाद में ये चीज याद आने वाला नहीं, ठीक है। और उसका जो प्रथम जो न्यायाधीश था कौन था आपका, एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद क्या होता है आपका 1774 के बाद आपका बंगाल गजट प्रकाशित होता है, बंगाल गजट 1780 जी हुआ है कि नहीं इसी के शासनकाल में, हाँ वही समाचार पत्र बंगाल गजट, और उसी समय आपका संस्कृत विश्वविद्यालय बना था, ठीक है, कौन था बनाने वाले आपका जोनाथन डंकन, और जो बंगाल जो गजट है ना, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था है ना, उसका प्रकाशन और संपादन किसने किया था आपका, जेम्स अगस्त हिक्की, जेम्स अगस्त हिक्की ने, ठीक है। उसके पश्चात अगर देखे तो जो वारेन हेस्टिंग था उसके ऊपर एक आरोप लगा था, क्या लगा था, घुसखोरी का आरोप है ना, किसका, घुसखोरी, कौन लगाया था, तो नंद कुमार नामक एक व्यक्ति ने लगाया था, ठीक है, घुसखोरी का आरोप, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा आपका, ब्रिटेन, और ब्रिटेन में क्या लगेगा, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, क्या चीज, एक आपका पीट्स इंडिया एक्ट आएगा 1784 में, इतना याद रहेगा। चले देखिए उसके पश्चात कौन आएगा आपका, कार्नवालिस आएगा, क्या कार्नवालिस आएगा, जो क्या कहलाता है, भारत में नागरिक सेवाओं के जनक कहलाता है, ठीक है। देखिए कलेक्टर का पद सृजित किसने किया था आपका, शुरुआत में वारेन हेस्टिंग, ठीक है, और अधिकार कौन देगा आपका, कार्नवालिस, ठीक है, दीवानी और फौजदारी का, ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ आईपीएस, ठीक है, इसका आपका इस पद का स्थापना करेगा आईपीएस, और जिला में किसको रखेगा, एसपी, ठीक है, और थाने में दरोगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये स्थायी बंदोबस्त चलाएगा,
बताया था ना स्थाई बंदोबस्त, एक आपको याद रखना है कार्नवाली संहिता, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्थाई बंदोबस्त, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त, एक आपका महलवाड़ी, एक आपका रैजतवाड़ी, और दोनों का मिश्रण, ठीक है, मतलब मुंबई में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्नवालिस के बाद कौन आएगा आपका सर, जॉनसोर। कल सूत्र बताया था ना, सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, उसी के माध्यम से देखिए, एक साथ सबका नाम आप याद करोगे तो गया काम से, दिमाग में वो बैठने वाले नहीं, तो एक सूत्र बना लो, सूत्र के माध्यम से उसको याद करो, ठीक है, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद आएगा सर जॉनसोर, ये नाम के जस्ट विपरीत था, ठीक है, शांत प्रवृत्ति का आपका गवर्नर जनरल था, ठीक है, ये आपको याद रखना, कुछ खास नहीं हुआ था। उसके बाद कौन आएगा सोर के बाद, वेले जली, ठीक है, मैंने कल बताया था सबसे पहले आपको हेडफोन लगाने, किसमें आपका कान में, है ना, हेडफोन किसने लगा, किसमें लगाना है, कान में, कान में क्या होगा, शोर होगा, क्या होगा, शोर होगा, ठीक है, और शोर के कारण क्या, कान क्या होगा, जलने लगेगा, क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, फिर जलने के बाद सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जोर से बोल लो, ठीक है, जोर से बोलो, तो कौन आएगा आपका, बोरलो, ठीक है, तब आपके दिमाग की बत्ती जगेगा, क्या खाने से, मेंटोस, और आप तब ध्यान में आएगा कि हाँ हेडफोन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, हेडफोन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दो नाम आपको याद रखना है, एक आपका एडी है ना, और एक आपका एम, ए एम, ठीक है, एडम सर और एम हर्स्ट, ठीक है, क्लियर। चले देखिए, उसके बाद कार्नवालिस तो पढ़ ली, उसके बाद सोर आएगा, फिर आपका वेले जली, और मैंने बताया था सहायक संधि कल क्या होता है, मैं बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि इसके शासन काल में सहायक संधि हुआ था, ठीक है, और सहायक संधि के माध्यम से कौन कौन से आपका राज्य या रियासत का विलय हुआ था, ठीक है, तो उनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। APBS, APBS, क्योंकि आपका हैदराबाद का तो पता ही रहेगा, टीपू सुल्तान, ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, और साथ साथ ये भी याद करते जाइएगा कि कौन से जो गवर्नर जनरल है या फिर आपका गवर्नर, उसके शासन काल में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, क्योंकि इसका डिटेल मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, उसके बाद आपका आएगा मिंटो प्रथम, ठीक है, मिंटो प्रथम, बोलो को छोड़ दो, मिंटो प्रथम, उसके शासन काल में क्या हुआ था, अमृतसर की संधि, क्या हुआ था, अमृतसर की संधि हुआ था मिंटो के समय, जी किसके किसके बीच हुआ था, हाँ राजा रणजीत सिंह और मैटकॉप, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब उसके बाद आ जाएगा आपका मिंटो के बाद कौन आएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, शासन काल अगर देखिए इसका तो 1813 से 1823, कब तक, 1813 से 1823, 1813 में एक एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा आपका प्रथम चार्टर एक्ट, प्रथम चार्टर एक्ट, ये आपको याद रखना है, और प्रथम चार्टर एक्ट के तहत क्या होगा आपका, जो BEIC है, BEIC के जो एकाधिकार है व्यापार करने का, उसको समाप्त कर देता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। साथ साथ भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, और वेले जली ने क्या किया था, एक काम और किया था कि प्रेस के ऊपर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी आपका जो लॉर्ड हेस्टिंग है, उसका आपका तीन भू राजस्व व्यवस्था, मतलब भूमि से संबंधित जो व्यवस्था लागू किया था, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। देखिए इसके बाद कौन आएगा आपका, एडम्स, एडम्स क्या करता है आपका, क्या करता है एडम्स, क्या करेगा एडम्स जी, कुछ नहीं करेगा, एडम्स पक्का, हाँ एडम्स क्या करता है, प्रेस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है, ये तो अपने एरिया का लगाया था, कौन, वेले जली, कुछ कुछ क्षेत्रों का, लेकिन जो एडम्स आता है वो पूरा भारत में जहां जगह जहां जहां आपका समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा है, पूरा क्या कर देता है, बैन लगा देता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए और लास्ट बचा आपका एम हर्स्ट, क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह बताया था,
कुछ नहीं हुआ था पक्का? चले ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अब, है ना। हाँ यही बता रहा हूँ सर, है ना, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, देखिए अंतिम आएगा आपका एमहर्स्ट, ठीक है, कौन आएगा? एमहर्स्ट, ठीक है। एमहर्स्ट के बाद एक और आपको गवर्नर जनरल, है ना, कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। उसका नाम आपको याद रखना है, और उसका नाम है आपका विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये नाम आपको याद रखना है। देखिए इसका शासन काल अगर देखें तो इसका शासन काल आपका रहेगा 1828 से आपका 1835, किसका? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें तो इससे पहले आपका जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे आपका एमहर्स्ट। कौन थे आपका? एमहर्स्ट, ठीक है। और अंतिम जो गवर्नर जनरल बनकर आया वो आपका विलियम बेंटिक, ठीक है। कौन आपका? विलियम बेंटिक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक जो है ये होगा आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए अब क्या हुआ, इसका शासन काल अगर देखें तो 1828 से 1835 तक है ना, 1828 से 1835। 1833 में एक आपका पुणे एक्ट आएगा, ठीक है, जिसे बोला जाएगा आपका चार्टर एक्ट। क्या बोला जाएगा? चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग द्वितीय चार्टर एक्ट। पहला किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड हेस्टिंग, कब? 1813, ठीक है, 1813 वो था आपका प्रथम चार्टर एक्ट, ठीक है। चलिए याद करते हैं, देखिए पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, जो गवर्नर जनरल है कहां के? बंगाल के, उसका नाम आपको याद रखना है। जब तक नाम आप लोग याद नहीं रखोगे तब तक उसका काम भी याद नहीं रहेगा, समझ रहे हो? नाम आपको, जैसे कि आपको कार्नवालिस, कार्नवालिस सुनते ही आपको याद आएगा आईसीएस का जनक, समझ रहे हो? लॉर्ड वेलेजली नाम सुनते ही आपको याद आएगा सहायक संधि, समझ रहे हो? और आपका लॉर्ड हेस्टिंग सुनते ही क्या आएगा? आपका भू राजस्व व्यवस्था और चार्टर एक्ट। तो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए तो इसका भी नाम 2 मिनट में याद कर लेते हैं, है ना, ठीक है। देखिए 1828 से 1835 तक आपका शासन था किसका? विलियम बेंटिक का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा 1833 में एक एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ठीक है, अरे चार्टर एक्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चार्टर एक्ट के तहत क्या होगा, ये जो आपका विलियम बेंटिक है, क्या आपका? विलियम बेंटिक, ठीक है, ये आपका क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और 1833 में जो चार्टर एक्ट आएगा उसके तहत इसको बना दिया जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। किस एक्ट के तहत आपका जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1833 में एक आपका एक्ट आएगा जिसे बोला जाता है आपका चार्टर एक्ट, है ना। प्रथम हम लोगों ने देखा तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय चार्टर एक्ट, और इसके तहत आपका भारत के जो, सॉरी, बंगाल के जो आपका गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल।
ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर देखें तो ये होगा आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए ओके, चलिए सूत्र के माध्यम से याद कर लेते हैं ना। देखिए अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? बंगाल के गवर्नर जनरल, उससे पहले बंगाल के गवर्नर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलिए ओके, चलिए दीपिका ठाकुर मैं बताइएगा कि बंगाल के, हाँ बंगाल के आपका अंतिम गवर्नर और बंगाल के आपका प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैंने बंगाल का पूछा। बंगाल 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 के अंतिम गवर्नर और आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स जी, नहीं मैम अब समझ नहीं पा रहा हूं, है ना? मैं पूछ रहा हूं बंगाल, बंगाल के अंतिम जो गवर्नर होगा कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? इसी चीज को मैंने बोला उस दिन, ठीक है? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है? और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? और ये क्या होगा, देखिए इसके बारे में क्या बोला, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, है ना? पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बंगाल के गवर्नर, पढ़े बंगाल के गवर्नर, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपका आएगा भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है? जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तब तक मैं दो बार तीन बार पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, देखिए इसमें देखिए यही से समझते हैं, ठीक है? बंगाल के जो गवर्नर बने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कौन कौन बने। सबसे पहले आएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव आएगा, ठीक है? उसके बाद आएगा कौन आपका? वेंसी टाट। कौन आएगा आपका? वेंसी टाट, ठीक है? वेंसी टाट के बाद आएगा आपका वरलेस्ट। कौन आएगा आपका? वरलेस्ट, क्लियर आएगा ना? हाँ रॉबर्ट क्लाइव, उसको छोड़ दो, रॉबर्ट क्लाइव को दो बार आता है ना, एक सीक्वेंस में आपको नाम याद रखना है, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव ही आएगा कब आपका? 65 से 67, ठीक है? उसको छोड़ देने क्योंकि वो चीज दो बार आएगा आपका, ठीक है? तो आपका कौन? वर्लेस्ट। और उसके बाद आएगा आपका फर्टियर, ठीक है? कौन आएगा? फर्टियर। तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, कौन? वेंसी टाट, उसके बाद वर्लेस्ट और आपका फर्टियर, क्लियर? देखिए फर्टियर के बाद आएगा आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग, मतलब लास्ट कौन आएगा आपका? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? तो वॉरेन हेस्टिंग कौन हुआ आपका? अंतिम गवर्नर, कहां का आपका? हाँ बंगाल का। समझ रहा ना क्या बोल रहा हूं? देखिए इसके समय क्या होगा, इसका शासन 1773, कब आपका? 1773 में एक एक्ट आएगा, उस एक्ट को क्या बोला जाता है आपका? रेगुलेटिंग एक्ट। और उस एक्ट के तहत इसको क्या बना दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है? तो ये आपका बंगाल के अंतिम गवर्नर और आपका बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है? क्लियर यहां तक? चलिए देखिए उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल देखते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना मैंने सूत्र बताया था आप, ठीक है? ये हो गया आपका कान, कान में आपको क्या लगाना है? आपका हेडफोन, ठीक है? कान में क्या होगा आपका? शोर होगा, ठीक है? हाँ शोर से क्या होगा कान में? जलन होगा, ठीक है? जलन होगा। और जलन के बाद आपका, हाँ फिर से आप बोलोगी, अब जलन के कारण काम जो कान है वो कम सुनाई देगा,
तो अपने दोस्त को क्या बोलोगे? थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है? तो कान में जोर से बोलो, बोलो आपको याद रखना, बोल लो, ठीक है? अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आप क्या खाओगे? मेंटोस, है ना, जिससे क्या होगा, दिमाग की बत्ती, देखो ना, मेंटोस दद्दू वाला है ना, ठीक है? देखिए बोल, उसके बाद आप क्या खाओगे? मेंटोस, ठीक है? मेंटोस खाओगे तब आपको पता चलेगा कि हेडफोन का यूज हाँ कम समय के लिए करना चाहिए, ठीक है? तो यहां आपका हो जाएगा हेडफोन, हेडफोन, बस इसी को याद रखो, ठीक है? इसमें थोड़ा क्या चीज, हाँ लास्ट तो वो बता रहा हूं ना, है ना, लास्ट आपको याद रख लेना है ए डी और ए एम, ठीक है? देखिए सबसे पहले आपका हेडफोन लगाना है, हेडफोन से आपका हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवाली शोर से सर जॉन शोर, जलन से लॉर्ड वेलेजली, कान से पुनः आएगा आपका कार्नवाली, पोलो से सर जॉर्ज बोरलो, और मेंटो से आपका मिंटो प्रथम, हेडफोन से आपका लॉर्ड हेस्टिंग, एडी से आपका एडम्स, और एएम से आपका एम हॉर्स, ठीक है? और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है उसका नाम अंतिम आएगा आपका, ठीक है? यहां जा आएगा आपका विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है? अब देखिए यहां पे, है ना, तो जो भारत के जो गवर्नर जनरल है, ये सब क्या पढ़ रहे हो, भारत के गवर्नर जनरल है, तो अंतिम कौन होगा आपका? विलियम बेंटिक, कौन होगा? विलियम बेंटिक होगा ना, सॉरी, हाँ भारत, सॉरी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक, ठीक है? अब देखिए विलियम बेंटिक का अगर शासन काल देखिए तो 1828 से 1835, ठीक है, 1835, 1833 में एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा द्वितीय चार्टर एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो आपका बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको क्या बना दिया जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है? तो ये होगा आपका बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, क्लियर ना, एग्जामों में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है? चलिए ओके, देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत के गवर्नर जनरल कहां के, आपका भारत, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल, तो प्रथम कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इतना तो क्लियर है ना, होंगे ना, ठीक है? चलिए 28 से 35 ये बता रहा हूं, है ना, देखिए अब याद करते हैं हम लोग क्या चीज, भारत के गवर्नर जनरल का नाम, ठीक है? तो तैयार हो? हाँ, तो थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है, टेंशन में नहीं रहना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हुआ, आसानी से याद करते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? देखिए आगे क्या त्योहार है आपका? रक्षाबंधन, कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन, ठीक है? तो रक्षाबंधन में क्या होता है, राखी बांधते हो, बांधते हैं ना, ठीक है? कब जाओगे घर वर? कल शाम को, चलिए ठीक है, इस बार तो राखी 2 दिन का है क्या जी, 30-31 को है ना, चलिए ठीक, चलो रक्षाबंधन को छोड़ देते। देखिए अभी हाल ही में हरेली त्योहार हुआ, ठीक है, हुआ हरेली त्योहार, और हरेली त्योहार के दिन घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बनते हैं कि नहीं, कौन कौन सा? आलू गुंडा, है ना, सुने हो ना, और सबसे फेमस जो है भजिया, और सबसे फेमस वो आपका बड़ा, क्या आपका बड़ा खाओ ना, बड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और पपची खाओ, पपची नहीं खाओ, चले एक आध दिन खिलाता हूं आप लोगों को। देखिए अब क्या वो हरेली त्योहार है, अब आपके दोस्त ने आपको फोन किया, भाई आज छुट्टी है चलो कहाँ चले, क्रिकेट खेलने, कहाँ चले आपका? क्रिकेट खेलने, ठीक है? अब आप घर से निकल गए क्या खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, क्या खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए। अब माँ देखी और बोली अब बेटा जा रहे हो, अब अता पता तो है नहीं, है ना, तो कुछ खाने का ले जाओ, ठीक है, क्या ले जाओ? खाने का ले जाओ। अब घर में क्या बना था? बरा, क्या बना था? बरा, ठीक है, अब बरा को दे दिए बांध के आपको, ठीक है, अब बरा को पकड़ लिए आप, ठीक है, और क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे? बैट, क्या लेकर जाओगे? बैट। तो देखिए एक हाथ में आपका है बैट, ठीक है, ये आपका बैट, और एक हाथ में क्या रख लिए? बरा,
ठीक है, क्या रख लिए, 12। ठीक है, अब जा रहे हो आप क्रिकेट खेलने और रास्ते में आया एक आपके सामने क्या, तो एक मेंढक, क्या है आपका, ये समझो मेंढक, क्या आ गया, मेंढक। ठीक है, अब आप टेंशन में जल्दबाजी में हो और मेंढक को बैट में क्या किए, धो दिए, पीट दिए, क्या किए, पीट दिए, किस में आपका, बैट से, किसको, मेंढक को। ठीक है, अब मेंढक क्या करेगा, अब टटराएगा ना, आवाज निकालेगा। ठीक है, अब मेंढक तो आवाज निकालेगा, तो मेंढक कैसा आवाज निकालता है, ऑक ऑक करके ऐसा निकालता है ना, ऑक करके निकालता है ना, टर टर कहता है, लेकिन ऑक आपको याद रखना है, मेंढक आपका आवाज निकालेगा क्या चीज का, ऑक ऑक। ठीक है, ये मेंढक का आवाज। ठीक है, अब मेंढक आवाज निकालने लगा। ठीक है, अब आपने बैट में पीट दी है उसको, है ना, अब थोड़ा आपको भी वो लगा, अब बिना मतलब के बेचारे को मार दिया हूं। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो एक हाथ में जो बरा था है ना, क्या था आपका, बरा, उसको किसको दे दिया आप, मेंढक को, किसको दे दिए, मेंढक को, किसको आपको, बरा को। ठीक है, किसको आपका, बरा को, और बाद में पता चला जो बरा था वो 3 दिन पुराना था, कितने दिन, 3 दिन। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड हो गया था, ठीक है, क्या हो गया था, हार्ड, अब बेचारे मेंढक को दोगे है ना, तो वो भी गुस्सा करेगा, ईगो हर्ट होगा ना, 3 दिन का पुराना बड़ा। ठीक है, तो वो भी सनी देओल बन जाएगा। ठीक है, कौन आपका, मेंढक, तो आप 3 दिन पुराना बड़ा दे दिया, उसका भी ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, वो भी बोलने लगा, क्या बोला, क्या बोलने लगा, ठीक है, चलो बाद में बताएंगे। हाँ, तो बड़ा आपको याद रखना है, ठीक है, बड़ा दे दिए और बड़ा था 3 दिन पुराना, तो क्या हो गया था, हार्ड हो गया था, क्या हो गया था, हार्ड हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, हार्ड हो गया था बड़ा। ठीक है, अब आपने मेंढक से पूछा, भाई खाओगे, ठीक है, तो क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा, हाउ जी, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेगा, हाउ जी, समझ रहे, कौन आपका, मेंढक। ठीक है, तो वो बोलेगा आपका हाउ जी। ठीक है, क्लियर, तो यही आपका सूत्र है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप पैर धर के घर से निकले क्रिकेट खेलने के लिए, निकले, ठीक है, रास्ते में कौन मिला, मेंढक, कौन मिला आपका, मेंढक, मेंढक को क्या किए, पीट दिए, मेंढक आवाज निकालने लगा किसका, ऑक ऑक का। ठीक है, अब आपको दया आया, हाथ में क्या पकड़े थे, बरा, ठीक है, बरा को दे दिए और बरा था 3 दिन पुराना, तो क्या हो गया था, कठोर हो गया था, हार्ड हो गया था। ठीक है, तो हार्ड हो गया था, तो मेंढक को पूछे खाओगे, अब बेचारा भूख लग रहा था, तो बोला हाउ जी, क्या बोला, हाउ जी। तो देखिए कौन कौन रहेगा, सबसे पहले बैट से आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक। ठीक है, मेंढक से आपको याद रखना है मेडकॉप, क्या याद रखना है, मेडकॉप। ठीक है, इसके आवाज जो ऑक ऑक है उससे आपको याद रखना है ऑकलैंड, क्या याद रखना है आपका, ऑकलैंड। ठीक है, परा से आपको याद रखना है एलिन बरो, एलिन बरा, या बरो भी बोलते हैं, एलिन बरो। ठीक है, परा से आपका एलिन बरो। ठीक है, हार्ड से आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और हाउजी से आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएंगे आपके भारत के गवर्नर जनरल, कौन कौन, तो सबसे पहले आपका नाम पहले याद रख लो ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर आएगा आपका मेढक है ना, तो मेड कॉप, कौन आपका, मेड कॉप। ठीक है, मारोगे तो ऑक ऑक चिल्लाएगा, तो ऑकलैंड, क्या आपका, ऑकलैंड। ठीक है, अब आप उसको क्या दोगे, परा। ठीक है, तो एलिन बरो, ठीक है, ये एलिन बरा, एलिन बरो आपको याद रखना है। ठीक है, अब बरा क्या था, हार्ड था। ठीक है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और लास्ट में हाउजी खाऊंगा, छत्तीसगढ़ी है बोलो उन्होंने, तो लॉर्ड डल हाउजी। ठीक है, लॉर्ड डल हाउजी, नाम याद हुआ, हुआ कि नहीं, हो गया, चलिए बताइए, मैं बताइए बताइए। हाँ, विलियम बेंटिंग और मेटकॉफ, हाँ ऑकलैंड,
दिमाग में बसाने का प्रयास करो, चीज को ऑटोमेटिक याद आ जाए, क्योंकि इतने सारे गवर्नर गवर्नर जनरल का नाम है या, अब याद करते करते थक जाओगे, मैं बता रहा हूं, है ना? ठीक है, विलियम बेंटिक, फिर आपका बेटकॉक, फिर आपका ऑकलैंड, फिर आपका एलिन बरो, ठीक है, फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग, फिर आपका डलहौजी। ठीक है, सबसे पहले बैट लेके निकलना, सामने में मेढक, ठीक है, मेढक को आप मारोगे तो आवाज निकालेगा ऑक ऑक का, ठीक है, फिर क्या खिलाओगे उसको, बरा जो माने दिया था, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद बरा क्या था, 3 दिन पुराना था, तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हो, और लास्ट में हौजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसका शासन काल देखिए तो कब से कब तक था, ठीक है, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका शासन काल था आपका 1828 से 1835 तक, किसका आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है, याद रहेगा 1835। उसके बाद आएगा आपका मेटकॉप, मेटकॉप का रहेगा आपका 1835 से आपका 1836, किसका आपका, मेटकॉप का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका ऑकलैंड, ऑकलैंड का रहेगा आपका 1836 से आपका 1842, ठीक है, 1836 से 1842, क्लियर। चले उसके बाद आ जाएगा आपका एलिन बरो, कौन आपका, एलिन बरो, इसका रहेगा 1842 से आपका 1844, ठीक है, किसका आपका, एलिन बरो का, ठीक है। लास्ट में आएगा आपका हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, इसका रहेगा आपका 1844 से आपका 1848, किसका आपका, लॉर्ड हार्डिंग का, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आएगा आपका डलहौजी, डलहौजी का रहेगा आपका 1848 से आपका 1856, ठीक है, 1848 से आपका 1856, किसका आपका, लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है, याद रखना है आपको। सबसे पहले विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक, फिर आपका मेडकॉप, फिर आपका ऑकलैंड, फिर आपका एलिनबरो, फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग, है ना, और लॉर्ड डलहौजी, इतना नाम आपको याद रखना है। ये हो गया कौन आपका, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, लिख लिए, चलिए सुमन देवांगन में बताइएगा बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम, सुमन देवांगन में। हाँ चलिए, हाँ क्लाइव, हाँ कोई बात नहीं, वल्ली, हाँ ठीक है, चलो, हाँ हाँ वर्लेस्ट, क्लाइव वेसिटार्ट वर्लेस्ट, हाँ हाँ फर्टियर जी मैम, वारेन हेस्टिंग, बहुत अच्छे मैम। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस जॉनसोर, हाँ जॉनसोर, बहुत अच्छे, सोर सोर जलन, जलन सोर जलन जली, है ना, फिर कान में बोलो, धीरे बोलो, कार्नवाली, फिर बोलो बोल लो, फिर मेंटोस खाओगे आप लोग, है ना, मिंटो, मेंटोस खाने के बाद क्या होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, और हेडफोन का यूज ज्यादा टाइम के लिए नहीं करोगे, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक मैम, ओके। एडम्स, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, चलिए ठीक मैम। और भारत के गवर्नर जनरल, चलिए बताइए, याद हो जाएगा तुरंत अभी, हाँ हाँ विल मेटकॉक, हाँ चल, ऑकलैंड, एलिन बरो, लॉर्ड हार्डिंग, चलो जी ठीक मैम, बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाम याद हुआ, नाम याद हुआ जी, ठीक है। देखिए सबसे पहले आएगा आपका विलियम बेंटिक, अब विलियम बेंटिक का देखते हैं इन्होंने क्या क्या कार्य किया।
किया था विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विलियम बेंटिक के बारे में आपको याद रखना है कि ये भी जो विलियम बेंटिक थे वो शान प्रवृत्ति के गवर्नर जनरल थे, उदारवादी थे। ठीक है, शान प्रवृत्ति, जैसे कि हमने जान शोर को पढ़ा, वैसे ये भी जो थे वो आपका शान प्रवृत्ति के थे। और इनके शासन काल में कोई युद्ध नहीं हुआ। किसके शासन काल में? विलियम बेंटिक के शासन काल में। ठीक है, और बहुत सारे आपका इन्होंने अपने शासन काल में सुधार किए। क्या किए? सुधार किए, ये आपको याद रखना है। और सुधार कार्यों में आपका जो आता है वो है आपका सती प्रथा का दमन। क्या आता है? आपका सती प्रथा का दमन। आप लोग को याद रखना है जो विलियम बेंटिंक है उसके शासन काल में युद्ध नहीं हुए थे। उन्होंने क्या किया था? मात्र सुधार किया था। क्या किया था? सुधार किया था। और ऐसी व्यवस्था भारत में लागू की जो आपका सती प्रथा है ना, और आपका ठगी प्रथा है, उसका पूरा दमन किया। मतलब भारत के हितों के लिए उन्होंने क्या किया? कार्य किया। कौन? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, उदारवादी नेता थे ये, आपको सॉरी गवर्नर जनरल थे, आपको याद रखना है। और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सती प्रथा का दमन या अंत किसने किया था? ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको याद रखना है। चलिए देख, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये बता रहा हूं अभी, है ना। तो आपको याद रखना है 1829, कब आपका? 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का दमन किया था, अंत किया था, सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा का अंत। अब अकेले तो कर नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भारत की एक, सोचा जाए तो आपका पुरानी संस्कृति है, पुराने लोग इन सब चीज पर ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कौन सा आपका नरबलि प्रथा कहाँ चल रहा था, आपका छत्तीसगढ़ के कौन से जगह? दंतेवाड़ा में। ठीक है, जब हम लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में जाएंगे तो उन्होंने आपका जो नरबलि प्रथा है ना, उसी के समय आपका बंद हुआ था। सर, उसके पहले कौन आता है आपका? लॉर्ड डलहौजी के पहले कौन आएगा? हार्डिंग। हार्डिंग के समय आपका बंद होगा आपका। ठीक है, और वही आपका पूरे छत्तीसगढ़, मतलब पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, तो एक आपका स्थान आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए तो देखिए, सती प्रथा का अंत अब अकेला तो कर नहीं पाएगा, कोई ना कोई भारतीय साथ देगा तब ये, ठीक है, पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको एक नाम आपको याद रखना है कि सती प्रथा के अंत में एक भारतीय ने सहायता किया था, जिसका नाम है आपका राजा राम मोहन राय। ऐसी तो नाम है, क्या सुने हो? ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। और देखिए, अच्छा इसे एक याद आया, देखिए जो लॉर्ड हेस्टिंग है उसका शासनकाल कब से कब तक था? 1813 से 1823, 23 23, हाँ ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग का। और उसके शासनकाल को कहा जाता है भारत के पुनर्जागरण का काल। ठीक है, पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, इसी से बहुत सारे आपका जो, जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय है ना, इसके साथ साथ और बहुत ऐसी जो भारत के हितों के लिए कार्य किए है ना, उन लोगों ने साथ दिया आपका जो भारतीय गवर्नर है उसका। चलिए ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय, इन्होंने साथ दिया किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और दोनों ने मिलकर भारत में जो कुरीति थी जिसे बोला जाता है आपका सती प्रथा, ठीक है, उसका क्या किया? अंत किया। अब सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा, जैसे कि किसी पुरुष का क्या हो जाता था? मृत्यु हो जाता था। ठीक है, और उसका दाह संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो दाह संस्कार में जो चीता है ना, उसमें क्या किया जाता था? उसके साथ साथ महिलाओं को भी उसी में समर्पित कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसी को बोला जाता है आपका सती प्रथा। ठीक है, तो उसका अंत हुआ। देखिए इसमें ये था, कुछ महिलाएं क्या थी, वो तो राजी थी, चलो ठीक है, पति के साथ साथ सती हो जाए। और जो लोग राजी, जिसका जो राजी नहीं थे है ना, उसको जबरदस्ती वहां आपका धकेल दिया जाता था। ठीक है, तो किसी के विरुद्ध आप काम करोगे तो दिक्कत की बात है ना। ठीक है, और सच में ये बहुत ही आपका
एक प्रकार का सोचा जाए तो कुरीति ही था एक प्रकार के, है ना। ऐसा किसी के साथ किसी महिला को जबरदस्ती ढकेल के चिता में, है ना, दावाग्नि दे देना, ठीक है। तो इसका अंत किया था आपका कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और साथ किसने दिया था आपका, राजा राममोहन राय ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ 1829 में एक और प्रथा था आपका, ठगी प्रथा, ठीक है, क्या आपका ठगी प्रथा, इसका भी अंत किया था, ठीक है। ठगी प्रथा नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ जो डाकू थे या पिंडारी थे ये लूटने का काम करते थे, ठीक है, खासकर आपका उत्तरी आपका भारत में, ठीक है, ये फैला हुआ था। तो इसका भी अंत किसके शासनकाल में हुआ था आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, 1829 में आपको दो याद रखने, सती प्रथा और ठगी प्रथा। उसके बाद क्या होता है 1833, ठीक है, 1833 में एक आपका एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कौन सा, तो द्वितीय, पहला चार्टर एक्ट आया था आपका लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में 1813। ये सब याद रखते जाइएगा ना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 प्रथम चार्टर एक्ट, और आपका 1833 द्वितीय चार्टर एक्ट, ठीक है। तो देखिए, इस जो द्वितीय चार्टर है इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत आपको याद रखना है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको क्या बना दिया, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, याद रहेगा, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये आपको याद रखना है। और इसी के समय आपका विधि आयोग का गठन हुआ था, विधि आयोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है विधि आयोग, ये आपको याद रखना है। विधि आयोग इससे पहले हम लोगों ने देखा जैसे कि आपका 1772 में आपका कलेक्टर का पद सृजित हुआ, ठीक है, उसके बाद जो कार्नवालिस है उन्होंने क्या किया, कलेक्टर को अधिकार शक्ति प्रदान किए, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका, जो कार्नवाली संहिता के तहत पुनः शक्ति छीन लिया, ठीक है, दंड न्याय ये सब वापस ले लिया, और एक आपका राजस्व रखा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कभी शक्ति छीन लेते थे कभी दे देते थे, है ना, मतलब एक स्थायी नहीं था, समझ रहे हो। इसी को स्थायी बनाने के लिए कि न्यायाधीश है उसको एक विशेष प्रकार की शक्ति दे दिया जाए, ठीक है, कलेक्टर हो उसको अब एक विशेष प्रकार की शक्ति दिया जाए, तो उसके लिए क्या किया, ब्रिटेन से आपका विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है, और न्यायाधीश जो न्यायाधीश थे उनको उसके हिसाब से आपका शक्ति प्रदान किया, कलेक्टर है कलेक्टर के हिसाब से शक्ति प्रदान किया, है ना। तो शक्ति का क्या हुआ, विभाजन हुआ यहाँ पर सबको, मतलब उसके हिसाब से शक्तियों को बांट दिया गया, ठीक है। इससे पहले देखे ना, पूरा कोई छीन लेता था फिर वापस कर देता था, ठीक है, तो एक प्रकार का जो उनका शक्ति था वो स्थायी नहीं था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विधि आयोग का गठन हुआ था आपका, ठीक है, 1833 के आसपास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, एक आपको याद रखना है, इसी के समय आपका जो अंग्रेजी था, अंग्रेजी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था, उच्च शिक्षा का माध्यम, ठीक है, मतलब अब पढ़ाई किस भाषा में होगा आपका, इंग्लिश भाषा में, ठीक है, किस भाषा में, इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो अंग्रेजी वो जो है वो आपका बना उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, किसको आपका, अंग्रेजी को, ये या आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, और कैसे बना तो आपको याद रखना है, जो अधिकारी थे जिसका नाम था आपका मैकाले, ठीक है, मैकाले के रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट, ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिनके हिसाब से आपका जो अंग्रेजी था उसको शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, ठीक है। पढ़ाई किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में पूछा जाता है आपका, ठीक है। और इसमें टोटल 4 सदस्य थे, ठीक है, जो आयोग बना, और इन 4 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे वो थे आपका मैकाले, ठीक है, कौन थे आपका
मैकाले क्या थे, अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ तो आपको याद रखना है, 1835 में, ठीक है, 1835 में आपका भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज खुला, प्रथम मेडिकल कॉलेज, प्रथम मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ, कलकत्ता, ये आपको याद रखना है, भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कौन कौन से कार्य, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले सती प्रथा का दमन किया, ठीक है, फिर आपका ठगी प्रथा का दमन किया, क्लियर, उसके साथ साथ आपका विधि आयोग का स्थापना किया गया, ठीक है, विधि आयोग, अंग्रेजी को उस उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, और लास्ट में आपको याद रखना है 1835 में आपका प्रथम मेडिकल कॉलेज, ठीक है। यही जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपका आएगा यहां से, तीन चार क्वेश्चन मेन रूप से बन सकते हैं, क्या जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट क्वेश्चन ये बना। सती प्रथा 10 बार पूछा जा चुका है कि भारत में सती प्रथा का दमन किसने किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विधि आयोग का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में खुला था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, किसके बारे में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, ठीक है, ओके। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद कौन आएगा, चार्ल्स मेटकॉप, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉप आएगा, ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो इसका शासनकाल रहेगा 1835 से 1836, ठीक है, 1835 से 1837। देखिए इससे पहले जो बंगाल के जो आपका गवर्नर जनरल पढ़े, उनमें से एक था आपका लॉर्ड मिंटो, मिंटो पढ़ाया था, उसके समय एक संधि हुआ था, कौन सा आपका, अमृतसर की संधि, ठीक है, तो किसके किसके मध्य हुआ था, आपको याद रखना है, चार्ल्स मेटकॉप और राजा रणजीत, ठीक है, तो आपको याद रखना है अमृतसर की संधि से संबंधित है, अमृतसर की संधि, ठीक है। देखिए इससे पहले अगर देखा जाए तो आपका जो समाचार पत्र है ना, या प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, इससे पहले पूर्ण प्रतिबंध कौन लगाया था, पूर्ण प्रतिबंध बोल रहा हूं, इससे पहले बताया था क्या, एडम्स ने लगाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले वेलेजली, फिर आपका एडम्स, ठीक है, एडम्स ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रतिबंध को, प्रेस पर प्रतिबंध को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, ये आपको याद रखना है, प्रेस के प्रतिबंध को हटा दिया, कौन आपका, चार्ल्स मेटकॉक, ठीक है, और इसे कहा जाता है, इसी कारण आपका भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, ठीक है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता आपको याद रखना है, किसे कहा जाता है आपका, चार्ल्स मेटकॉक को, मेटकॉक को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉक के क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, चार्ल्स मेटकॉक के बाद कौन आएगा, ऑकलैंड, ठीक है, कौन आएगा आपका, ऑकलैंड, ठीक है, तो ऑकलैंड आपको याद रखना है, ऑकलैंड, ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा आपका, तो शासनकाल इसका रहेगा 1836 से 42 तक, ठीक है, 1836 से 42 तक, ठीक है, इसके बारे में दो क्वेश्चन आपका बनता है, मैं जो एग्जाम में पूछा जाता है,
कौन कौन से दो क्वेश्चन, चले देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जिसे बोला जाता है आपका जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे बोला जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था आपका, ठीक है, क्या करवाया था, पुनः निर्माण, ठीक है, किसने आपका, तो ऑकलैंड ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जीटी रोड हो क्या है, थोड़ा सा अगर देखे तो चलिए समझते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना भारत देश मोटा मोटा, ठीक है। देखिए जो रोड है, जो जीटी रोड जो बोल रहा हूं, ठीक है, वो काम करती है आपका भारत की पूर्वी क्षेत्र से आपका भारत के पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने का काम करती है वो रोड, ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, वो जोड़ेगा आपका, देखिए इधर हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से ये वाला जो क्षेत्र बनारस होते हो आपका लाहौर, ठीक है, लाहौर से आपको ऊपर आपका अफगान वाला क्षेत्र, ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसका बहुत ही पुराने इतिहास है, ठीक है। इतिहास क्या कहता है, ये जो रोड है ग्रैंड ट्रंक जो रोड है, उसका निर्माण आपका हुआ था सबसे पहले आपका मौर्य काल में, ठीक है, किसके काल में, मौर्य काल में, मतलब बहुत पुराना है, ठीक है, मौर्य काल में, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसका जो मरम्मत जो करवाया था, ठीक है, वो करवाया था आपका शेर शाह सूरी ने, पूछा जाता है जब पर, शेर शाह सूरी ने, ठीक है, आपको याद रखना है, इस यहां से भी आपका आप क्वेश्चन बनता है कि मरम्मत किसने करवाया था, ठीक है, तो दो का नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले ये बना था आपका मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, उसके बाद जो शेर शाह सूरी थे, जो थे आपका अफगान शासक, ठीक है, कौन थे आपका अफगान शासक, उन्होंने इसका क्या करवाया, मरम्मत करवाया, ठीक है। बाद में जब आपका ऑकलैंड आपका गवर्नर जनरल बना भारत का, तो उसका पुनः निर्माण करवाया, तो तीन लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ, एक आपका मौर्य साम्राज्य, एक आपका शेर शाह सूरी, और एक आपका ऑकलैंड, ठीक है, एक आपका, हाँ, वही वाला है, मरम्मत करा के टोल प्लाजा भी बनवाया था आपका, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे आपका। ठीक है जी, देखिए दो चीज हो गए, एक चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले तो जीटी रोड ऑकलैंड के शासनकाल में, और एक आपको इन्होंने इसके शासनकाल में आपको याद रखना है डाक प्रणाली का विकास हुआ, डाक प्रणाली का विकास सर्वप्रथम, ठीक है, किसके शासनकाल में, ऑकलैंड के शासनकाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑकलैंड के शासनकाल में डाक प्रणाली का विकास हुआ, तो दो चीज ऑकलैंड के शासनकाल में आपको याद रखना है, पहला आपका जीटी रोड, दूसरा आपका डाक प्रणाली का विकास। अब इसी डाक प्रणाली जो है उसको आगे बढ़ाएगा आपका कौन, डलहौजी, ठीक है, और डाक सेवा शुरू करेगा, ठीक है, कलकत्ता से आपका डायमंड हार्बर तक। चलिए ऑकलैंड के बाद कौन आएगा आपका, हार्डिंग, हार्डिंग आएगा ना, अच्छा एलिन बरो आएगा आपका, एलिन बरो, ठीक है, एलिन बरो, ठीक है, एलिन बरो का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, तो 1800, इसका कितना था जी, 42 था ना, 42 से आपका 44, ठीक है, 42 से आपका 44। अब इसके शासनकाल में एक चीज आपको याद रखना है, इसके शासनकाल में आपका दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, दास प्रथा आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, दास प्रथा का अंत, दास
प्रथा का अंत, ठीक है, किसके शासनकाल में? आपका एलिन बरो, ठीक है। देखिए सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, सबसे पहले सती प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा ठगी प्रथा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में होगा? तो एलिन बरो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? एलिन बरो के शासनकाल में, ठीक है। बस एक चीज इसमें याद रखना है, एलिन बरो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा जिसका नाम है आपका लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इसका शासनकाल आपका रहेगा 44 से आपका 1848, 44 से आपका 1848, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ में जो मेरिया विद्रोह हुआ था नरबलि प्रथा के विरुद्ध, बताया था कब हुआ था, डेट कब से कब तक हुआ था? हलवा विद्रोह है वो, तो सब विद्रोह का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, तारापुर विद्रोह, मेरिया, मुड़िया, भूमकाल, समझ रहे हो? बताओ बताओ, 1842 से 53, जी याद आ रहा है 1842। और ये किसका शासनकाल है? गवर्नर जनरल में देखा जाए तो हार्डिंग का, ठीक है, किसका? हार्डिंग का है ना, 1800 मतलब 44 के आसपास, 44 से 48, इसी मतलब 1842 से 53, मतलब इसी का शासनकाल आएगा ना, समझ रहे हो? तो देखिए इसके शासनकाल में एक बात आपको याद रखना है कि इसके शासनकाल में आपका नरबलि प्रथा का अंत हुआ, नरबलि प्रथा का अंत, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो आपको याद रखना है हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है जी। इंसानों का बलि जी है ना, छत्तीसगढ़ में जैसे हुआ था मेरिया, मेरिया विद्रोह, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता था, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका जो व्यक्ति है उसका क्या दे दिया जाता था? बलि दे दिया जाता था, ठीक है। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो उस समय क्या था, आपका जो मैकफर्सन था उन्होंने क्या किया, जो दंतेश्वरी माता मंदिर उसको चारों तरफ पूरा आपका जितने भी सैनिक है घेरा बना लिया इस प्रथा को रोकने के लिए, ठीक है। और उसके बाद गोली बौछार भी, गोलियों का बौछार भी हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे करके आपका ये प्रथा को बंद करवाया उन लोग, ठीक है। और जिसका नर बलि दिया जाता था उसी को बोला जाता था आपका मेरिया, है ना, जिस व्यक्ति का मतलब जिस व्यक्ति को बलि दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? मेरिया, ठीक है, पढ़ेंगे हम अभी विद्रोह में, ठीक है। तो आपको याद रखना है नर बलि प्रथा का अंत किसके शासनकाल में होता है? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है, क्लियर। चल अब एक बच गया आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी आएगा वो क्या करेगा, तो वो एक नीति चलाएगा जिसे बोला जाता है आपका हड़प नीति। हड़प मतलब सामने वाले साम्राज्य को क्या कर लेना, अपनी ओर मिला लेना हड़प करके, ठीक है, उसी को बोला जाता है आपका हड़प नीति, ठीक है। जैसे कोई आपका, जैसे आपका एक साम्राज्य हो गया आपका मोटा मोटा देख लिया जाए मैसूर, हालांकि मैसूर का पहले से रियासत हो चुका था, तो मैसूर में क्या होगा, उसका जो राजा था मेन उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, है ना, तो उत्तराधिकारी नहीं होगा तो क्या कर लेगा जो डलहौजी है, वो हड़प नीति के माध्यम से अपने जो साम्राज्य है उसमें क्या कर लेगा, विलय कर लेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे सेवाओं का आपका जो सेवा है, जैसे कि आपका डाक सेवा, रेलवे सेवा है ना, इन सब सेवा को लाया था कौन? आपका लॉर्ड डलहौजी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बाद में देख लेंगे, कल कल या परसों, जैसे कल मतलब अगर मैंने क्या बोला था, आपका जो डाक प्रणाली था है ना, उसका विकास जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, चालू हुआ था, सॉरी चालू हुआ था किसके शासनकाल में, बताया था? ऑकलैंड, ठीक है। अब देखिए डाक सेवा तो उसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो डाक सेवा जो भेज मतलब डाक पत्र जो भेजा जाता था वो आपका डलहौजी के शासनकाल से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक
ठीक है। चलिए पुणे एक बार देखते हैं, देखिए कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है सबसे पहला है ना जो भारत का गवर्नर जनरल है वो है आपका कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, वो क्या करेगा आपका सती प्रथा का अंत करेगा, ठीक है, सती प्रथा। उसके बाद आपका ठगी प्रथा, एक आपको वो याद रखना है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपका एक आपको विधि आयोग का गठन करेगा, ठीक है, विधि आयोग का गठन करेगा। जबकि अगर बात किया जाए सती प्रथा की, तो साथ किसने दिया था, एक भारतीय व्यक्ति का, क्या नाम था, राजा राम मोहन राय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए उसके बाद उन्होंने 1835 में है ना क्या करेगा, एक आपका मेडिकल कॉलेज खोलेगा, कहां आपका कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में आपका मेडिकल कॉलेज खोलेगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि 1833 में उसके समय एक एक्ट आएगा जिसे बोला जाएगा आपका चार्टर एक्ट, है ना। अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो 1813 में पहला चार्टर एक्ट आया था, किसके शासनकाल में, किसके, हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है। तो जितने भी आपका जो एक्ट आया है उसको आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, उसके बाद आपका चार्टर एक्ट, उसके बाद आपका द्वितीय चार्टर एक्ट, ठीक है, मैंने सूत्र भी बताया आपका, ठीक है, जो भारत के गवर्नर जनरल। उसके बाद कौन आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद, मेटकॉप है, मेटकॉप के समय क्या होगा, तो संधि हो गए कहां का, अमृतसर का, कहां का आपका अमृतसर का, ठीक है, अमृतसर का होगा ना, तो ऐसे अब मिंटो के टाइम हुआ था, लेकिन किसके किसके मध्य हुआ था, तो मेटकॉप आपको याद रखना है। और उधर आपका राजा रंजीत सिंह, ठीक है, इतना याद रहेगा, क्लियर। चलिए मेटकॉप के बाद कौन आएगा आपका, ऑकलैंड, ठीक है, तो ऑकलैंड के शासनकाल में क्या क्या हुआ था आपका, जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण हुआ था। जीटी रोड क्या है आपका, तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, जैसे बांग्लादेश से आपका जो बनारस, उसके बाद आपका लाहौर, इन क्षेत्रों को क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका पूर्वी देश से आपका जो लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान और आपका अफगान क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक चीज और याद रखना है, डाक प्रणाली का क्या हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है, डाक प्रणाली का विकास हुआ था। अब ऑकलैंड के बाद आपका कौन आ जाएगा, आपका एलिन बरो, ठीक है, एलिन बरो के समय होगा आपका क्या, दास प्रथा का अंत, क्या होगा आपका, दास प्रथा का अंत। तो किसके किसके समय कौन सा प्रथा का अंत हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, विलियम बेंटिक, सती, ठगी, सती और ठगी प्रथा, जबकि एलिन बरो के समय आपका दास प्रथा, ठीक है, एलिन बरो के समय आपका दास प्रथा। फिर लास्ट आएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, इसके समय क्या होगा आपका, नरबली प्रथा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है क्या, किस समय हुआ था आपका मेरिया विद्रोह, ठीक है, दोनों आपको याद रहेगा, ठीक है, मेरिया विद्रोह से इसको जोड़ना है आपका नरबली प्रथा से, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, चलिए ठीक। तो ये है आपका भारत के आपका गवर्नर जनरल। लास्ट कौन आएगा आपका, डलहौजी, और डलहौजी में बहुत सारा है, लगभग आधा घंटा का क्लास उसमें लगा है समझाने में, ठीक है, तो याद हुआ नाम। चलिए सर पीछे से बताइए आप, भारत के गवर्नर जनरल के नाम बताइए, हाँ कौन, मेटकॉप, हाँ ऑकलैंड, एलिन बरो, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है। चलिए सर बताइए, चलिए मैम आप बताइए, कौन कौन से गवर्नर जनरल ने, है ना, जो प्रथा चल रहा है, जो कुरुति चल रहा है, उसका अंत किया था, चलिए बताइए किसके किसके शासन काल में हुआ था। चलिए ओके, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग नरबली प्रथा का विरोध, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थोड़ा सा हम क्वेश्चन आपका हल कर लेते हैं, ठीक है, जो पुराने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और कल सब याद करके आइएगा, है ना, बार बार यही चीज नहीं बोलूंगा, ठीक है, अभी मान, हाँ सर पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को, है ना, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बने रहिएगा 15-20 मिनट, ठीक है। चलिए, राउत नाचा छत्तीसगढ़ के किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है, राउत नाचा,
ऑप्शन में आपका राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, है ना, इजी है, ठीक है। हाँ ओके, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? कबरा पहाड़ कहाँ है आपका? रायगढ़ में स्थित है ना, ये या आपको याद रखना है। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला कहाँ आपका? सूरजपुर, ये या आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? ऑप्शन है आपका कोयला, लौह अयस्क, टीन, बॉक्साइट, क्या रहेगा? तीन रहेगा ना, क्योंकि 100% उत्पादन भी करता है आपका, है ना, भंडारण भी उसका, ये आपको याद रखना है। चलिए ओके, देखिए चलिए सबसे कठिन प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सा? कोरबा, ठीक है, ये या आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जी, अबूझमाड़। देखिए, किसके शासन काल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है? हाँ, ऑप्शन आप सुन लो, महाशिव तिवर देव, चंद्रगुप्त, महाशिव गुप्त, बालार्जुन और हर्षगुप्त। महाशिवगुप्त बालार्जुन क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि उन्होंने विभिन्न धर्मों को क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था, जिनमें से आपका था शैव धर्म और आपका वैष्णव धर्म, जैन धर्म, ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत। और ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इसमें ग्राम सभा है ही नहीं, तो सबसे निम्न ग्राम पंचायत रहेगा ना, ये आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ताता पानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बलरामपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं, महाकौशल, छत्तीसगढ़ पत्रिका, हरिभूमि, नवभारत। पक्का? ऑप्शन एक बार सुन लो, महाकौशल, छत्तीसगढ़ पत्रिका, हरिभूमि और आपका एक ऑप्शन और है लास्ट है, इनमें से कोई नहीं भी है। इनमें से कोई नहीं है, है ना, क्योंकि कौन सा था आपका? छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक है आपका जोगी मिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? पढ़े हो अभी, है ना, तो आपका ऑप्शन है मूर्तियों की स्थापना, रथ की ध्वज स्थापना, मंदिर में कलश स्थापना या पुजारी की नियुक्ति। पक्का बताओ, पुजारी की नियुक्ति की कलश स्थापना? हाँ, लेकिन मेन इसको कलश स्थापना लिया जाएगा, समझ लो, पढ़ाया ना आप लोगों ने, आलो। हाँ चलिए ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था, घड़वा शिल्प कला बनाया जाता है, घड़वा शिल्प मैंने बताया था आप लोग को, याद आ रहा है, जब पढ़ाया था जी जनजाति नीचे में कोंडा गांव में, कुछ बताया था जयदो बघेल वगैरह वगैरह, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो देखिए घड़वा शिल्प कला बनाया जाता है पीतल से, कांसा से, रागा से, लोहा से, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीनों से बनाया जाता है, पीतल से, कांसा से, रंगा से, लोहा से नहीं बनाया जाता, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा,
पैरी के धार महानदी है अपार, राज्य गीत के रचयिता कौन है? कौन है जी? अच्छा ऑप्शन दो इसके लिए। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, श्री धनी राम वर्मा और डायरेक्ट सॉरी डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, क्या रहेगा? इतना भी नहीं पता जी? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है ये आपको याद रखना। चलिए क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? ठीक है तो बाबू बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है परियोजना कौन से नदी पर है? मैंने बताया था कौन सा आपका सिलियारी। रविशंकर कौन सा नदी पर है? महानदी। मिनी माता और वीर वीर नारायण सिंह आपका खेलो नहीं सर कोडार, कोडार आपको याद रखना है। ठीक है केलो में कौन सा है आपका? केलो में कौन सा परियोजना है? ठीक है और खारंग, खारंग नदी में कौन सा परियोजना है? खारंग, खारंग नदी बताया था आपको, याद करो याद करो। चलिए देखिए निम्नलिखित शक्कर कारखाना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? मादंतेश्वरी शक्कर कारखाना, माँ दंतेश्वरी जी, बालो जी, बाकी जिले का भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, मेरे जिले बस का नहीं भूलना, समझ रहे हो? ठीक है देखिए भोरमदेव, भोरमदेव कवर्धा, महामाया कहाँ? ऊपर कहाँ? सूरजपुर। राज्य के प्रथम उद्योग का नाम क्या है? राज्य के प्रथम उद्योग, ऑप्शन है मोहनजोट मिल, भिलाई इस्पात संयंत्र, मोनेट इस्पात संयंत्र, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी। ठीक है बीएनसी, जबकि जूट बंगाल नागपुर कॉटन पढ़ाया था ना, राजनांदगांव जिला पढ़ाया था तो जी है ना, तो वही होगा ना प्रथम, तो वही रहेगा। हाँ छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमोर पिंगला, अचानक मार, उदंती, भैरमगढ़। अचानक मार। सीता नदी वन अभयारण्य में खाली स्थान जलाशय स्थित है? सीता नदी वन अभयारण्य में देश देश जलाशय स्थित है तो सोंढूर, कोडार, अर्जुनी, भैंसाझर। सीता नदी कहाँ बताया था आप लोगों को? धमतरी, ठीक है और धमतरी और सीता नदी, हाँ अभयारण्य कहाँ है आपका? हाँ सोनडूर नदी है ना, उसके किनारे बताया था आप लोगों को, याद करो है ना, ये आपको याद रखना है। हाँ चले, जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में बसा हुआ है? ठीक है पहाड़ी, मैदान, निम्न भूमि, पाट प्रदेश। पाट प्रदेश, ठीक है ये आपको याद रखना। देखिए इनमें से असत्य कथन है, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में है। पवई कहाँ बताया था? पक्का? चले, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का, सही है कि गलत है? चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है। रक्षगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है कि नहीं? रक्षगंडा रेड नदी जी, पक्का? तो ये गलत रहेगा। रक्षगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर है आपका, याद करो याद करो। रेड नदी में नहीं है रक्षगंडा, उसमें बताया था क्या? कौन सा नदी है आपका, मैनपाट से कौन सा नदी निकलता है?
मांड, मांड नदी, ठीक है। चले, कोरिया जिले में कौन से स्थल अशोक कालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हरचौका, मरेगढ़, घाघरा, कोटाडोल। कोटाडोल बताया था क्या? भोंगपाल किसके लिए जाना जाता है? भोंगपाल, भोंगपाल कहाँ बताया था? भोंगपाल कहाँ? हाँ, उसी साइड है, नीचे एरिया में। बौद्ध विहार के लिए बताया था ना जी, याद करो, भोंगपाल, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, और कल सब भारत के, सॉरी, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, तीनों का नाम याद करके आना है ना, समझ रहो, मतलब सबका नाम, तीनों का, आपका कौन कौन सा, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, कौन कौन से प्रथा का अंत किया, ये सब याद करके आना है, ठीक है। कल सबसे पूछूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आज के लिए। आज सेकंड टास्क नहीं है जी सर। ओके ओके, थैंक यू।